इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका सीधा रिलेशन आपके क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी से है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वॉलेट होता क्या है। जिस तरह से आप एक फिजिकल वॉलेट का यूज़ करेंसी को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह से क्रिप्टो वॉलेट का यूज़ क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसका यूज़ किसी ट्रांजेक्शन को डिजिटली साइन करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि एक वॉलेट को इसके अलावा और भी दूसरे काम में लाया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। किसी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के दो प्राइमरी पर्पस होते हैं। पहला है एक एनोनिमस आइडेंटिटी क्रिएट करना, और ये काम किया जा सकता है प्राइवेट की और पब्लिक की को क्रिएट करके। प्राइवेट की और पब्लिक की बेसिकली दो लार्ज नंबर होते हैं। जिनके पास ये प्राइवेट की होती है, वॉलेट की ओनरशिप भी उसी के पास होता है। वॉलेट इसी प्राइवेट की के थ्रू ट्रांजेक्शन को डिजिटली साइन करता है। वॉलेट का दूसरा पर्पस है आपके डिवाइस को ब्लॉकचेन से या किसी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट करना। क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट एक टाइप का लाइट नोड ही होता है, जो Web3 API के जरिए दूसरे ब्लॉकचेन नोड से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद ये वॉलेट ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने और NFT जैसे क्रिप्टो एसेट को स्टोर करने के लिए काम आता है। अगर आपको पता नहीं है कि NFT क्या होता है और कैसे काम करता है, या आपने कभी ब्लॉकचेन पे बेस्ड वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। वॉलेट का यूज़ करने से क्रिप्टो एसेट्स को सिक्योर करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन को साइन करने के लिए बहुत ही एडवांस लेवल के एल्गोरिदम द्वारा जनरेट किए गए प्राइवेट की का यूज़ करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे प्राइवेसी को भी काफ़ी इन्हेंस करता है। वो ऐसे कि एल्गोरिदम हमारे वॉलेट के प्राइवेट की या वॉलेट के एड्रेस को जनरेट करने के लिए हमारी किसी भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा एज, नेम, जेंडर, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर का यूज़ नहीं करता है। इसकी बजाय ये एक सिक्योर रैंडम नंबर जनरेटर का यूज़ करता है, जिससे किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्चुअली यही रैंडम नंबर हमारा प्राइवेट की होता है, और इसी प्राइवेट की को मैनिपुलेट करके पब्लिक की और वॉलेट एड्रेस को क्रिएट किया जाता है। किसी भी एड्रेस पे किसी तरह के क्रिप्टो एसेट को सेंड करने के लिए हमें किसी और थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। वॉलेट में से बहुत से फीचर होते हैं, जिससे कि वॉलेट से क्रिप्टो एसेट को मैनेज करना काफ़ी आसान कर देता है। QR कोड की स्कैनिंग एक ऐसे ही फीचर का एग्जाम्पल है, जिससे कि पेमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। टाइप्स ऑफ वॉलेट। वॉलेट को ब्रॉडली दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। तो सबसे पहले हम इन दो कैटेगरीज को शॉर्ट में समझते हैं, फिर इनके अंडर आने वाले अलग अलग वॉलेट के बारे में डिटेल से समझेंगे। हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट उस तरह के वॉलेट को कहा जाता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने क्रिप्टो करेंसी को किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के पास जमा कराते हैं जिसका काम है क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करना। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के वॉलेट को हर समय इंटरनेट से कनेक्टेड रहना होगा, तभी वो इस तरह की सर्विस को प्रोवाइड कर पाएगा। बेसिकली हॉट वॉलेट का यूज़ उन लोगों द्वारा किया जाता है जो रेगुलर बेस पे क्रिप्टो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई शॉप ओनर या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर। हॉट वॉलेट में ऐसे कई तरह के फीचर होते हैं जो इन्हें यूज़ करने में काफ़ी कन्वीनियंट बनाता है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टिविटी के कारण ये काफ़ी वल्नरेबल होता है। तो ये था हॉट वॉलेट। अब जानते हैं कि कोल्ड वॉलेट किसे कहते हैं। कोल्ड वॉलेट हॉट वॉलेट के ठीक उलट होता है। ये ऐसे वॉलेट होते हैं जिन्हें इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जाता है, और अगर कनेक्ट होते भी हैं तो बहुत ही कम समय के लिए। हार्डवेयर वॉलेट्स को इन्हीं कैटेगरीज में रखा जाता है। इस तरह के वॉलेट प्राइवेट कीज़ को ऑफलाइन ही स्टोर करता है, जिसका फ़ायदा यह होता है कि हैकिंग जैसे खतरे को इजीली अवॉइड किया जा सकता है। इसलिए कीज़ को स्टोर करने का ये तरीका और दूसरे तरीके से काफ़ी सिक्योर होता है। कोल्ड वॉलेट का यूज़ बहुत ही कम समय के लिए होता है, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस होता है कीज़ या डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना। जिसका मतलब ये हुआ कि हॉट वॉलेट के मुकाबले कोल्ड वॉलेट कहीं ज़्यादा सिक्योर होता है, और क्योंकि इसका यूज़ बहुत ही कम समय के लिए होता है इसलिए इसमें फीचर भी बहुत कम होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी हॉट वॉलेट के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। इन हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट के अंडर भी वॉलेट को और बहुत से कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट, पेपर वॉलेट, डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट और वेब वॉलेट। तो सबसे पहले जानते हैं उन सभी वॉलेट्स को जिसे हॉट वॉलेट की कैटेगरीज में रखा जाता है। उसके बाद कोल्ड वॉलेट की कैटेगरीज में आने वाले वॉलेट्स के बारे में जानेंगे। डेस्कटॉप वॉलेट उन सॉफ्टवेयर वॉलेट्स को कहते हैं जो आपको अपने डेस्कटॉप पर ही कीज़ को मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप और दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, ठीक उसी तरह से इन सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। क्योंकि ये डेस्कटॉप वॉलेट लोकल कंप्यूटर पर ही रन करता है, इसलिए वॉलेट का डेटा भी उसी लोकल कंप्यूटर पर ही स्टोर किया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर पूरी तरह से वायरस फ्री हो, नहीं तो ये आपकी क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप अपने डिवाइस को एंटीवायरस से क्लीन करते रहें और वॉलेट्स के डेटा का बैकअप क्रिएट करते रहें। इसमें लापरवाही बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। CNBC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हॉवर्स ने 2009 में ही अपने लैपटॉप से बिटकॉइन माइन करना स्टार्ट कर दिया था, और 2013 में उन्होंने यह काम बंद कर दिया था। लैपटॉप टूट जाने के कारण उन्होंने हार्ड डिस्क को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट्स को बेचने का फैसला किया,
लेकिन एक दिन उन्होंने साफ सफाई के दौरान गलती से उसी हार्ड डिस्क को कचरे में फेंक दिया जिसमें 7500 बिटकॉइन को एक्सेस करने का डेटा स्टोर था। होवर्स ने उस हार्ड डिस्क को दोबारा खोजने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह हार्ड डिस्क नहीं मिला। इस स्टोरेज से यह सीखने को मिलता है कि आप अपने वॉलेट के डेटा का बैकअप एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर करें। डेस्कटॉप वॉलेट सिक्योरिटी के मामले में मीडियम लेवल पर स्टैंड करता है और इनमें फीचर्स की भी बहुत कमी होती है क्योंकि डेस्कटॉप को कहीं लाना ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए ये वॉलेट्स शॉप ऑनर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। बिटकॉइन का डेस्कटॉप वर्जन एक ऐसे ही डेस्कटॉप वॉलेट का एग्जाम्पल है। मोबाइल वॉलेट, क्रिप्टो मोबाइल वॉलेट दिखने में किसी दूसरे पेमेंट वॉलेट की तरह ही हो सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट और डेस्कटॉप वॉलेट के मुकाबले मोबाइल वॉलेट काफ़ी कन्वीनियंट होता है। इस वॉलेट के थ्रू आप इजीली QR कोड को स्कैन करके किसी को पेमेंट कर सकते हैं या पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट और डेस्कटॉप वॉलेट में सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों ही सॉफ्टवेयर वॉलेट की कैटेगरीज में रखे जा सकते हैं। डेस्कटॉप वॉलेट और मोबाइल वॉलेट आमतौर पर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और इनका यूज़ ट्रांजेक्शन के लिए होता रहता है, इसीलिए इन्हें हॉट वॉलेट की कैटेगरीज में रखा जाता है। और क्योंकि ये दोनों तरह के वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इन दोनों पर ही हैकिंग का थ्रेट बना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को दूसरे के हाथों में दे बैठते हैं और बहुत बार हम ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं जो अनऑथराइज्ड होते हैं, और ऐसे ही गलतियों से हमारा वॉलेट कब खाली हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो ज़रूरी ये है कि सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ में लाया जाए और जितना हो सके डिवाइस को उतना सेफ रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वॉलेट गलत हाथों में चला गया तो इसे वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोइनबेस एक ऐसे ही मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल है। वेब वॉलेट, हॉट वॉलेट के तीन कैटेगरीज में से एक है वेब वॉलेट। मेटामास्क वेब वॉलेट का ही एग्जाम्पल है। वेब वॉलेट को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला तो है ब्राउज़र के एक्सटेंशन के थ्रू या फिर किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के वेबसाइट पर लॉगिन करके, और किसी दूसरे वॉलेट की तरह इसको भी सेफ रखने के लिए पासवर्ड सेट किया जाता है। वेबसाइट पर आने वाले क्रिप्टो पेमेंट रिक्वेस्ट को इस ब्राउज़र एक्सटेंशन वाले वेब वॉलेट से इजीली फुलफिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये सब वॉलेट का यूज़ आप सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र एक्सटेंशन जैसे वेब वॉलेट का यूज़ करते हैं तो वॉलेट आपके प्राइवेट कीज़ को ब्राउज़र में ही स्टोर करता है, जिसका मतलब यह है कि आप इस क्रिप्टो एसेट को पूरी तरह से ऑन करते हैं। कोई सेकंड पर्सन आपके क्रिप्टो एसेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सर्विस का यूज़ करते हैं तो उस केस में आपके प्राइवेट कीज़ का कंट्रोल यूजली उस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के पास होता है। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, अगर आपको उनके सर्विस का यूज़ करना है तो आपको अपने प्राइवेट कीज़ को यूज़ करने का परमिशन तो देना होगा। स्पेशली ब्राउज़र एक्सटेंशन वॉलेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरनेट से कनेक्टिविटी। इंटरनेट से कनेक्टिविटी इस वॉलेट को जितना कन्वीनियंट बनाता है उतना ही थ्रेट भी जनरेट करता है। क्योंकि वॉलेट प्राइवेट कीज़ को ब्राउज़र के डेटाबेस में स्टोर करता है, इसलिए कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स बने रहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के डेटाबेस को वही एक्सेस कर सकता है जो उस डेटाबेस को राइट करता है, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण या अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इन डेटाबेस को हैकर्स के हाथों में सौंप देते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि कंप्यूटर में एक एंटीवायरस ज़रूर हो, ईमेल या मैसेज पर आने वाले लिंक को केयरफुली ही ओपन किया जाए। किसी ब्राउज़र एक्सटेंशन को ओपन करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि ऑथेंटिक एक्सटेंशन को ही इंस्टॉल किया जाए, ना कि उसके जैसे दिखने वाले फेक एक्सटेंशन को। आप ये भी कर सकते हैं कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले रिव्यू पढ़ लें और जिन एक्सटेंशन का यूज़ आप ना करते हों उन्हें ब्राउज़र से रिमूव कर दें। तो ये था वेब वॉलेट। अब बात करते हैं हार्डवेयर वॉलेट की। हार्डवेयर वॉलेट देखने में एक पेन ड्राइव जैसा भी हो सकता है या फिर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसा भी। इसका साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि इस वॉलेट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वॉलेट सिर्फ कीज़ को स्टोर करने के लिए बनाया गया है तो इसका साइज छोटा सा हो सकता है, लेकिन अगर वॉलेट कीज़ को स्टोर करने के अलावा न्यू कीज़ को जेनरेट कर सकता है और इसके साथ वॉलेट कुछ डेटा स्टोर भी कर सकता है तो हो सकता है कि इसका साइज़ पेन ड्राइव जितना ना हो करके किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जितना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हार्डवेयर वॉलेट का यूज़ मोस्टली उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलरली यूज़ करने के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। इन लोगों के लिए कीज़ की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए हार्डवेयर वॉलेट एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस होता है। इस तरह के सभी वॉलेट्स को कोल्ड वॉलेट की कैटेगरीज में रखा जाता है। पेपर वॉलेट, वॉलेट के टाइप में से ये वॉलेट सबसे सिंपल टाइप का है। जैसा कि नाम से पता लगता है, ये वॉलेट एक्चुअल में एक पेपर का ही होता है। पेपर पे एक प्राइवेट की, पब्लिक की और वॉलेट एड्रेस के साथ साथ इन सभी पे QR कोड भी प्रिंटेड होते हैं, ताकि किसी मोबाइल वॉलेट का यूज़ कर ईजिली किसी को पेमेंट किया जा सके। सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए तो ये वॉलेट बाकी वॉलेट से बहुत हद तक सिक्योर है। क्योंकि इसे नेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्राइवेट की चोरी होने का डेंजर भी ना के बराबर होता है। इसका यूज़ मेनली उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो अपने करेंसी को डेली स्पेंडिंग की बजाय लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। इसके साथ एक ज़रूरी बात यह है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके खोने से सारे क्रिप्टो फंड लॉस्ट हो सकते हैं। तो ये था वॉलेट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या डाउट है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संदीप कुमार साइनिंग ऑफ।